अरे यार भी क्या सर्च कर रहा है इतनी देर से। यार मैं कौन सी गाड़ी लूँ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक है फिर पेट्रोल डीजल है। इलेक्ट्रिक में रेंज कम है, पेट्रोल डीजल कॉस्टली बहुत है। यही सोचते सोचते यार दिवाली निकल गई। सो आजकल एक नई गाड़ी लेने से पहले ये सवाल तो आप सबके दिमाग में भी आता होगा, तो इस सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। पक्का ना? हाँ, पक्का। इनफैक्ट आप इस वीडियो के एंड तक ये डिसाइड भी कर चुके होंगे कि आपको कैसी गाड़ी लेनी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो फर्स्ट पॉइंट आता है एनवायरनमेंट। अब अगर एनवायरनमेंट की नजर से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ईवी बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं करती हैं। क्या बोल रहा भाई, ईवी में कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? अच्छा जरा ये बता, एक ईवी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है। बैटरी। और हाँ, बैटरी प्रोडक्शन में होता है कार्बन इमर्शन। और हाँ बस यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप अपनी ईवी को लेकर आओगे, फिर जब आप उसको चार्ज करोगे, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी कोल से या किसी और पल्यूटिंग प्रोसेस से जनरेट हो रही है, तो वहां पर भी पल्यूशन होगा। एंड इंडिया में अप्रॉक्स 50% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से ही होती है। ऐसे तो फिर ईवी लेने का कोई प्रॉफिट ही नहीं है अगर वो भी पॉल्यूशन कर रही है तो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। एक ईवी इतना पॉल्यूशन करने के बावजूद भी आईसी इंजन से कम 20 से 30% कम पॉल्यूशन कर रही है। और अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से ले रहे हैं, वो अगर हम सोलर से या और किसी नॉन पॉल्यूटिंग तरीके से लें, तो वो और भी कम हो जाएगा। तो अगर एनवायरनमेंट की नज़र से देखा जाए तो आपको ईवी लेनी ही चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट आता है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग को देखने के भी दो तरीके हैं। एक तो इनिशियल कॉस्ट जो आप अभी गाड़ी लेते वक्त दोगे, जो कि नॉर्मली ईवीज की नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा ही होती है। एंड सेकेंड होती है उसकी रनिंग कॉस्ट। तो चलिए बाइक और ईवी की रनिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है देखते हैं एक बार। तो अगर टू व्हीलर्स में देखा जाए तो ईवी टू व्हीलर्स की एवरेज रेंज 60 के आसपास होती है। एंड वहीं अगर पेट्रोल में देखा जाए तो 40 के आसपास की माइलेज होती है। तो अगर ईवी में देखा जाए तो एक यूनिट बिजली आती है 7 से 7.5 रुपए के आसपास। एंड हाँ, ये कैलकुलेशन मैं यूपी के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके स्टेट में शायद ये डिफर कर सकती है। तो एक ईवी को फुल चार्ज करने में 3 से 4 यूनिट लगती है। एंड 60 किलोमीटर की कॉस्ट तो आपकी 28 रुपए के आसपास पहुंची। एंड 1 किलोमीटर की आपकी कॉस्ट आधे पैसे से भी कम पड़ रही है। वहीं अगर हम पेट्रोल व्हीकल को देख रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल 100 के आसपास तो रहता ही है। 40 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट पड़ी 100 रुपए। एंड वहीं 1 किलोमीटर चलाने की कॉस्ट पड़ी आपकी 2.5 रुपए, जो कि यहीं पर ईवी की 5 गुना है। एंड अगर मैं मान के चलूँ कि आप अपनी गाड़ी को महीने भर में 500 किलोमीटर भी चला रहे हो अगर, तो आपकी ईवी में मंथली कॉस्ट पड़ रही है 230 रुपए। एंड वहीं अगर मैं पेट्रोल में देखूं तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है 1250 रुपए। अब अगर हम यही कैलकुलेशन कार के लिए कर देखें तो ऑन एन एवरेज एक ईवी कार की रेंज होती है 300 किलोमीटर के आसपास। एंड फिर से हमारा एक यूनिट 7 रुपए का है अगर, तो फिर हमें फुल चार्ज करने में लग रहे हैं 210 रुपए। एंड 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग आ रही है 1.5 रुपए के आसपास। वहीं अगर हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी को देखें तो 20 से 22 किलोमीटर के आसपास की एवरेज माइलेज होती है उसकी। तो मैं 20 लेके अगर चलूँ तो 1 लीटर का पेट्रोल फिर से 100 रुपये का पड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर चलाने में हमारी कॉस्ट पड़ रही है 5 रुपये के आसपास, जो कि ईवी का 3 गुना से भी ज़्यादा है। एंड वहीं पर अगर आप अपनी गाड़ी को साल भर में 1 लाख किलोमीटर भी चलाते हो अगर, तो आपके पेट्रोल में कॉस्ट पड़ रही है 5 लाख रुपये। एंड इलेक्ट्रिक में आपकी कॉस्ट पड़ रही है 1.5 लाख रुपये। अब ईवी लेने के बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है वो है उसकी रेंज। अरे फास्ट चार्जिंग भी तो अवेलेबल है ना? हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फास्ट चार्जिंग भी मिलती है तो उसमें भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और अगर तुम लॉन्ग ट्रिप करने की सोच रहे हो, तब तो तुम्हें बहुत ही प्लान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पहले से ही देखना पड़ेगा कहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं कहाँ नहीं है। एंड अगर आप लोग स्कूटी से लॉन्ग ट्रिप सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी से, तब तो अभी रहने दीजिए, बहुत ज्यादा ही प्लान करके चलना पड़ेगा। एंड इतनी जल्दी जल्दी तो आपको चार्जिंग स्टेशन मिलने भी नहीं वाले हैं। अभी हर जगह तो अवेलेबल भी नहीं है। दिल्ली एंड नोएडा साइड तो बहुत हैं, बट अगर मैं लखनऊ की बात ही कर लूँ तो लखनऊ जैसे शहर में भी इतने चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल नहीं हैं। एथर इलेक्ट्रिक स्कूटी के ही अभी लखनऊ में खाली 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट मुझे दिखे हैं। एंड वो बोल तो रहे हैं कि 20-22 चार्जिंग पॉइंट होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बने। यार क्या बात कर रहा है, मैंने यूट्यूब पर देखा था कि कुछ ईवी बाइक्स हैं 200 किलोमीटर तक की रेंज आराम से देती थी। हाँ, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो अपनी ईवीज के लिए ये क्लेम कर रही हैं कि उनकी गाड़ी 200 किलोमीटर के आसपास चलेगी, बट अभी वो गाड़ी मार्केट में उतरी नहीं है। एंड ऊपर से ऊपर वो महंगी भी बहुत है।
बट वहीं अगर हम पेट्रोल गाड़ियों को देख रहे हैं तो उनमें ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है। आप सीधे पेट्रोल स्टेशन पर जाइए, पेट्रोल भरवाइए, 5 मिनट भी नहीं लगता है एंड यू आर रेडी टू गो। तो चलिए अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। अरे यार मेंटेनेंस का तो मैंने सोचा ही नहीं, ईवी की तो मेंटेनेंस महंगी होगी। एक काम करता हूँ पेट्रोल ले लेता। अरे नहीं यार आरबी, बल्कि ईवी में तो बिल्कुल भी क्या कहते हैं सर्विसिंग नहीं करानी पड़ती है, ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। एक बात और की हो सकता है कि अगर आप अभी ईवी लें तो आपको शायद स्पेयर पार्ट्स लेने में दिक्कत आए। लास्ट ईयर मैंने ईवी खरीदी थी अपनी एंड उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो खाली उसी के शोरूम में मिल रहे थे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन अब उसके स्पेयर पार्ट्स बाकी नॉर्मल दुकानों पर भी मिलने लगे हैं। हाँ कुछ ईवीज जैसे ओला एथर, इनके स्पेयर पार्ट्स खाली आपको उनके ऑथेंटिक शोरूम पे ही मिलेंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। बट ये भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। वैसे मेंटेनेंस करवाना तो छोड़िए, हम आपको इस चैनल पे एक पूरी ईवी बनाकर दिखाएंगे, बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। तो कंक्लूजन अगर देखा जाए तो अगर आपको टू व्हीलर लेनी थी और आप अपनी सिटी में 60-70 किलोमीटर डेली ट्रैवल करते हैं तो आप डेफिनेटली वो ले सकते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज ईवी की चार्जिंग मतलब रेंज आजकल 100 के आसपास होती ही है, मैंने देखा है जनरली। एंड आप उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, लाइसेंस एंड नॉन लाइसेंस। अब इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे ईवी बाइंग गाइड में। बट अगर आप कार लेने की सोच रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप ज़्यादा लॉन्ग रन पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप दो कार अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पेट्रोल या डीजल ले लीजिए, एक ईवी ले लीजिए। बट अगर आप एक ही कार अफोर्ड करना चाह रहे हैं, आप ईवी लेना चाह रहे हैं, तो ये पहले चेक कर लीजिए कि आप कितना डेली रन करेंगे, कब आप उसको चार्ज कर पाएंगे, आपको कहाँ कहाँ जाना है। ये अगर आप देख लें, अगर उसके बाद आपको 200 किलोमीटर के आसपास डेली ट्रैवल करना है उसके बाद आप चार्जिंग कर सकते हैं, देन आप कार ले सकते हैं। वेल वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप ये डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है, एक आईसी इंजन वाली खरीदनी है या फिर एक ईवी खरीदनी है। इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।